Hey everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in today's video, I'm going to talk about Niti Aayog, right? We are doing a playlist on the topics of Indian economy और उसमें एक टॉपिक है नीति आयोग. Now what is नीति आयोग? See, नीति एक abbreviation है, NITI. It is an abbreviation of National Institution for Transforming India. यानी कि एक ऐसा institution बनाया है जो कि national level पे काम करेगा India को transform करने के लिए. ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज नीति. अब इसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लानिंग कमीशन? सुनिए, 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, देन एट दैट टाइम द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया वॉज इन अ वेरी वेरी बैड कंडीशन. हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 1% से भी लो था, पर कैपिटा इनकम वॉज वेरी वेरी लेस. सो एट दैट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया रियलाइज कि ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो अब इंडिया की ग्रोथ के लिए प्लानिंग करे, राइट? सो देन इन 1950 द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप. प्लानिंग कमीशन उस टाइम पे 5-year प्लान्स के बेसिस पे काम कर रही थी. दैट मीन्स प्लानिंग कमीशन ने ये डिसाइड किया कि हम 5 years के लिए इंडिया के लिए प्लान्स बनाएंगे, फिर 5 years तक उन प्लान्स को फॉलो किया जाएगा और उसके बाद इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही उसे मेजर किया जाएगा. सो दैट वॉज वेन द 5-year प्लान स्टार्टेड. सो रिमेंबर, इंडिया का फर्स्ट 5-year प्लान 1951 में आया था, राइट? आई हैव एक्सप्लेन दिस इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, सो यू कैन जस्ट वॉच देम देयर इन डिटेल. सो प्लानिंग कमीशन वॉज डूइंग इट्स वर्क, इंडिया में 5-year प्लान्स बन रहे थे, बट 2012 से लेके 2017 वाला जो प्लान था, दैट वॉज द 12th 5-year प्लान, दैट वॉज द लास्ट प्लान. बिकॉज इन 2015 द NDA गवर्नमेंट, इट केम अप विद द आइडिया कि अब हमें 5-year प्लान्स की जरूरत नहीं है. इट इज़ बेटर कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड के तरीके के बेसिस पे काम करे, राइट? जरूरी नहीं है 5-year प्लान्स हो, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी हम प्लानिंग करेंगे. सो इन 2015 द NDA गवर्नमेंट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नीति आयोग. दैट इज वाई 2012 से लेके 2017 वाला जो 5-year प्लान था, दैट वॉज द लास्ट 5-year प्लान. नाउ व्हाट इज NDA गवर्नमेंट? ऑल्दो नीति आयोग से इतना रेलिवेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बट स्टिल एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज यू शुड नो. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA, ये क्या है? सी, जब 2004 में इलेक्शंस हुए थे, आई थिंक यू शुड नो, जब भी किसी गवर्नमेंट को पावर में आना होता है, देन दे शुड हैव एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स. दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. तो 2004 में जब जनरल इलेक्शंस हुए थे, देन नन ऑफ द पार्टी गॉट द मेजॉरिटी वोट्स, राइट? सो इन दैट केस पार्टी, किसी भी पार्टी का पावर में आना पॉसिबल नहीं था. एट दैट टाइम BJP एंड सेवरल अदर पार्टीज, दे फॉर्मड एन अलायंस. ठीक है, सबने एक मिलके अलायंस बनाया और उससे फिर BJP के पास 50% से ज्यादा पावर आई 2004. सो दैट्स NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस इन इंडिया, स्टिल वर्किंग. सो 2015 में इस NDA गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नीति आयोग का एस्टैब्लिश करना अब जरूरी है. इट इज द टाइम वी शुड स्क्रैप प्लानिंग कमीशन एंड कम अप विद नीति आयोग. नीति आयोग विल वर्क मोर एज अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये मैं आपको कमिंग स्लाइड्स में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. सो नीति आयोग हैड टू हब्स, यानी कि इसके दो मेन ब्रांचेस थे. नंबर 1 टीम इंडिया हब, नंबर 2 नॉलेज एंड इनोवेशन हब. इसके बारे में भी फर्दर स्लाइड्स में स्टडी करते हैं. देन कम्स नीति आयोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे नीति आयोग बना है, आई मीन व्हाट आर द मेंबर्स, हु आर द मेंबर्स ऑफ नीति आयोग. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, जो चेयरपर्सन जो होगा नीति आयोग का, बाय डिफॉल्ट इट विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया. सो राइट नाउ द प्राइम मिनिस्टर इज श्री नरेंद्र मोदी, सो ही इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. वाइस चेयरपर्सन इज डॉक्टर राजीव कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज श्री अमिताभ कांत. इनके अलावा दे विल बी 3 फुल टाइम मेंबर्स जो कि नीति आयोग के मेंबर्स रहेंगे. देन कम्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. अभी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या होते हैं? लिसन, सी, लेट मी टेल द डेफिनेशन फर्स्ट. एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं पीपल हु बिकम द मेंबर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे होल्ड अ सर्टेन ऑफिस. अब इसका मतलब समझो, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से CBSE के जो भी डायरेक्टर जनरल बनेंगे, जो भी एनी पर्सन, लेट्स से पर्सन ए, जो भी CBSE के डायरेक्टर जनरल बनेंगे वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के मेंबर बन जाएंगे बिकॉज ही होल्ड्स द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ CBSE. सो दीज टाइप्स ऑफ मेंबर्स आर कॉल्ड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हु बिकम द मेंबर बिकॉज दे होल्ड अ सर्टेन ऑफिस. तो इस तरीके से 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे एंड देन दे विल बी 4 स्पेशल इन्वाइटीज. दीज इन्वाइटीज will depend on the situation. For example,
फॉर द पर्टिकुलर ईयर नीति आयोग इज प्लानिंग ऑन सर्टेन थिंग, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स होंगे वो स्पेशल इन्वाइटीज हो सकते हैं फॉर दैट कमिटी और फॉर दैट मीटिंग. ये है नीति आयोग का कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, सीईओ, 3 फुल टाइम मेंबर्स, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड 4 स्पेशल इन्वाइटीज. सो इससे पता चलता है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होती रहती है ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस. अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 1950 मार्च 15, 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था आफ्टर द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. इट वॉज टाइम दैट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इकोनॉमी को अब प्लानिंग की जरूरत है. And it started formulating 5-year plans for India. It was established in accordance with the Article 39 of the Constitution. You all must know, 1950 में हमारे Constitution को भी lay down किया गया था. तो Constitution के Article 39 में ये mentioned है that there has to be a planning commission or there has to be a planning organization who will work and plan for the country. So on that basis, the planning commission was set up. Moving ahead. हब्स ऑफ नीति आयोग जो मैंने आपको बताया, टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब. ये मैंने स्पेशली इस स्लाइड में इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जनरली बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं ये नाम सुन के कि दो हब्स के नाम भी याद करने पड़ेंगे. बट दे आर वेरी सिंपल, देयर नेम आर स्पीकिंग फॉर देम सेल्फ. टीम इंडिया, नाम से पता चल रहा है कि इंडिया एक टीम की तरह काम करेगी. टीम का क्या मतलब है कि सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके एक टीम की तरह काम करेंगे. इनकी आपस में एंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इनका आपस में कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, राइट. एंड देन कम्स नॉलेज एंड इनोवेशन. ये है हमारा थिंक टैंक. नाम से पता चल रहा है नीति आयोग का एक मेजर पार्ट ये भी है कि वो नॉलेज को गैदर करेगा, रिसर्च को प्रमोट करेगा, इनोवेशन को प्रमोट करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए थिंकिंग टैंक का काम करेगा. वो सोचेगा कि क्या ज़रूरत है इंडियन इकोनॉमी को राइट नाउ एंड वॉट टाइप ऑफ प्लानिंग्स आर टू बी डन. सो इट विल वर्क लाइक अ थिंक टैंक फॉर द इंडियन गवर्नमेंट. ये हैं दो हब्स ऑफ नीति आयोग, टीम इंडिया एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब. मूविंग अहेड इज नाउ व्हाट इज यू नो डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन. क्या जरूरत थी प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करने की, क्या जरूरत थी नीति आयोग को एस्टैब्लिश करने की. सी, प्लानिंग कमीशन वॉज लाइक वन वे फ्लो ऑफ पॉलिसी. सेंटर सारी पॉलिसी बनाता था और स्टेट्स उन सारी पॉलिसी को फॉलो करते थे. दिस वॉज दैट वॉज हाउ इट वॉज वर्किंग टिल द टाइम ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. बट नीति आयोग केम अप विद अ मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ पॉलिसी. मतलब सेंटर और स्टेट मिलके काम करेंगे और पॉलिसीज बनाएंगे. अब सी, इसका रीज़न क्या है. इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अनलिमिटेड डाइवर्सिटी, इट्स अ फैक्ट. हर स्टेट अपने आप में अलग है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज दे हैव, इन टर्म्स ऑफ एरियाज दे हैव, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दे हैव. जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमारे हर स्टेट में डिफरेंट है. सो वी कैनॉट हैव वन सेंटर गवर्नमेंट मेकिंग द पॉलिसीज फॉर ऑल स्टेट. इट विल नेवर वर्क, राइट. दिल्ली में जो पॉलिसीज काम करती हैं वो झारखंड में काम नहीं कर सकती, राइट. आसाम में जो प्रिंसिपल्स पॉलिसीज, आसाम में जो रिसोर्सेज हैं वो राजस्थान में नहीं है. सो यू कैनॉट हैव वन सेंटर मेकिंग पॉलिसीज फॉर ऑल द स्टेट्स. दैट इज़ वाई जो प्लानिंग कमीशन की आइडियोलॉजी थी वन वे फ्लो ऑफ पॉलिसी, दैट वॉज नॉट रियली वेरी हेल्पफुल. सो नीति आयोग केम अप विद अ मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ पॉलिसी. प्लानिंग कमीशन वॉज मोर लाइक अ फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, क्योंकि मैंने आपको बताया है सेंटर ही सारी प्लानिंग करता था और प्लानिंग कमीशन सेंटर के कहने पर जो भी फाइनेंसेज होते थे वो अलग अलग स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था. बट नीति आयोग वॉज एन एडवाइजरी एजेंसी, ये एडवाइस देगा. नीति आयोग हैज़ नथिंग टू डू विद फाइनेंसेज. राइट नाउ आज की डेट में जितने भी स्टेट्स को फाइनेंस मिलते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है. सो नीति आयोग हैज़ नथिंग टू डू विद फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ जस्ट लाइक एन एडवाइजरी एजेंसी. ठीक है, प्लानिंग कमीशन एम्फेसाइज्ड मोर ऑन क्वांटिटेटिव प्लान्स. मतलब सिर्फ नंबर्स पे बात होती थी और लेट्स से सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही थी. बट नीति आयोग विल नाउ फॉलो द क्वालिटेटिव प्लान पॉलिसी, यानी कि अब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात भी करेंगे. इन वन ऑफ द वीडियो दैट आई हैव मेड बैक अर्लियर, मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस बताया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ कि इंडिया के ग्रोथ रेट 4% है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन क्या उस 4% का बेनिफिट इंडिया के हर सेक्टर को मिला है? क्या उस 4% का जो बेनिफिट है हमारे उससे क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ा है? क्या एजुकेशन बढ़ी है? क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट आई है? मतलब क्या क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आई है? इफ़ येस, देन दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अदरवाइज इट इज़ जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. सो प्लानिंग कमीशन, वी कैन से नाउ प्लानिंग कमीशन वॉज मेजरली फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ,
But Niti Aayog came up with the ideology of economic development. So it focused more on the qualitative plans. That is the difference between Planning Commission and Niti Aayog. Then comes, so this I've already discussed. So what's new with Niti Aayog? Flow of policy multidirectional hoga, center to state, state to center, within centers, inter-ministry, different ministries mein coordination hoga, credible plans banenge at the village level, matlab bilkul lower level pe jaake plans banaye jayenge, and Niti Aayog ek knowledge, innovation aur entrepreneurial support create karega, ek aisi community banayega national experts ki aur international experts ki, jo ki apni knowledge, apne innovation se India ko transform karenge. So that's new with Niti Aayog, which was not there in the Planning Commission of India. So here comes the functions of Niti Aayog. Although I have already explained all the concepts of Niti Aayog, lekin still exam mein kabhi kabhi specifically questions aata hai. What are the functions of Niti Aayog? Niti Aayog at the end of the day karta kya hai? So these are the functions. First hai, cooperative federalism. Ab is word se darna nahi hai. I know this word sounds very heavy, but darna nahi hai. Bahut simple sa word hai. फेडरलिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरल वर्ड का मतलब क्या होता है? इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम. इसका मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी है? सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स, ऐसे लेवल्स हैं गवर्नमेंट के. तो जब इस तरीके की हायरार्की होती है तो उसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं. ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब ये जो अलग अलग लेवल्स हैं इनमें आपस में अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए. तो डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इनके बीच में कोऑपरेशन होनी चाहिए. इसे हम बोलेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. क्लियर. सेकंड कम्स कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. अब ये भी समझो, स्टेट और सेंटर मिलके तो काम करेंगे ही, लेकिन आपस में कॉम्पिटिटिव भी काम होगा इनका. सेंटर विल वर्क, दे विल कम्पीट विद देमसेल्व्स, विद द अदर स्टेट्स एंड विद द सेंटर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री. तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी नीति आयोग प्रमोट करता है. देन कम्स शेयर्ड नेशनल एजेंडा. नाम से पता चल रहा है, नेशनल एजेंडा मतलब नेशनल टास्क, मतलब हम अपनी कंट्री के लिए क्या प्लान कर रहे हैं. ये हर स्टेट के लिए एक शेयर्ड विजन है, हर स्टेट उसी तरफ काम करेगा. जैसे आपने मैनेजमेंट में पढ़ा है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान एक गोल पे फोकस करेगा, राइट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो इस तरीके से सभी स्टेट, अलग अलग मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल एजेंडा को शेयर करेंगे, आपस में मिलके काम करेंगे. ठीक है, और ये नेशनल एजेंडा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, अलग अलग स्टेट्स के मिलके डिसाइड करते हैं. देन कम स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर. नीति आयोग विल नेवर फॉरगेट कि वो स्टेट्स का बेस्ट फ्रेंड है एट द सेंटर. इट इज़ अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर हैं, तो डेफिनेटली वो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. वो हर स्टेट को सपोर्ट करेगा, अपने चैलेंजेस को, अपनी पॉलिसीज को सपोर्ट करेगा सेंटर पे जाके. तो नीति आयोग विल नेवर फॉरगेट दैट इट इज़ द स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर. जैसे मैंने आपको बताया, हर स्टेट की अपनी अपने प्रॉज हैं, अपने कॉन्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं. इनको सेंटर के सामने रखना नीति आयोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ठीक है, देन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग. ऑफ कोर्स अब सेंट्रल प्लानिंग नहीं होगी, सेंटर सिर्फ प्लान नहीं करेगा सभी स्टेट्स के लिए, दैट इट विल बी अ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग. विलेज लेवल पे, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बॉटम अप मॉडल बनेगा. बॉटम लेवल पे क्या प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे प्लानिंग की जाएगी. सो इट विल बी अ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग. स्ट्रक्चर ऑफ द प्लानिंग विल चेंज. स्टेट्स को बेसिकली अब बहुत पावर दे दी गई है दैट दे कैन कीप देयर चैलेंजेस एंड देयर पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ द सेंटर. नाउ इट्स लाइक दैट. विजन एंड सिनेरियो प्लानिंग. एक लॉन्ग टर्म विजन होगा, एक मीडियम टर्म विजन होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग होगी, डिफरेंट स्कीम्स लाई जाएंगी, सेक्टर्स होंगे, रेजीम होंगे, टाइम लाइन दी जाएगी, बिगर पिक्चर बनेगी फॉर द इंडियाज फ्यूचर. डोंट फॉरगेट द नेम, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. सो इट्स वर्क्स लाइक दैट. देन कम्स नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज. नीति आयोग इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे एक्सपर्ट्स की एक कम्युनिटी बनाएगा, इन्हें आपस में कोलैबोरेट करेगा, जो कि अपने एक्सटर्नल आइडियाज, अपनी एक्सपर्टीज देंगे, जिससे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बनाया जाएगा. देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. यस ऑफ कोर्स, दिस इज द मेन थिंग. सेंटर और स्टेट में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, विद इन द स्टेट बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं. बहुत सारे ऐसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिवर्स हैं, जो टू स्टेट्स में फ्लो करती है, तो स्टेट्स में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है. हु विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ वॉट. तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना भी नीति आयोग का एक फंक्शन है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाएगा.
मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, हाँ जो भी परफॉर्मेंस हो रही है एट द एंड ऑफ द डे, क्या स्टेट्स कितना अचीव कर पा रहे हैं, जो आपने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेके आ रही है आर दे बीइंग इम्प्लीमेंटेड, आर वी अचीविंग द रिजल्ट्स. सो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन विल ऑल्सो बी डन बाय नीति आयोग. इनोवेशन एंड नॉलेज हब, ये आपको बताया था मैंने, नीति आयोग विल प्रमोट रिसर्च, नीति आयोग विल प्रमोट, यू नो इट विल क्रिएट अ डेटा, एक डेटा और इन्फॉर्मेशन सिस्टम को क्रिएट करेगा जहाँ पे डेमोग्राफिक, जोग्राफिक, सोशल वेरिएबल्स और रिलेटेड वेरिएबल्स पे रिसर्च की जाए. दैट इज अगेन द फंक्शन ऑफ नीति आयोग एंड दैट्स इट. सो दिस ऑफ दीज आर द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग. दिस वॉज अ लिटल इंट्रोडक्शन अबाउट नीति आयोग. आई हैव एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन. वॉट वॉज द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग नीति आयोग. What is the constitution of Niti Aayog and certain facts. So I hope you like the video. I hope you understand the concept. If you do like it, please subscribe to the channel. Do tell me in the comment section how did you like it. Till then, keep learning. Thank you so much.